खत्म होते हैं, वैसे ही सोशल जस्टिस के अगर स्कूल जब इतिहास लिखा जाएगा आज से 50 साल बाद या 100 साल बाद, तो लिखा जाएगा शायद जब सामाजिक न्याय की बात की जा रही थी उस समय बहुजन समाज से जो बड़ी आबादी है उस समाज से एक लोग बनाना आएगा, तीनों बनाना आएगा कि हम को अपनी सेल्फलेस जर्नलिज्म के लिए जाने जाते हैं। जब धारा व्यक्ति मतलब पाने के लिए तैयार रहते हैं, जिन्होंने अपनी एक जगह बनाई है, उस तरह के नाम है जो 2-3 ही नाम हम लोगों के सामने आते हैं। मंच पर बैठे हुए हैं हमारे भोलेश सर और दिलीप मंडल जी, हम दोनों का स्वागत करता हूँ और भोलेश सर को अपनी बात करने के लिए। मैं काफ़ी देर बाद उनका सब कुछ सुनने के बाद यार थोड़ा सा क्षमा चाहता हूँ, मैं भूल गया हमारे बीच में इसी बीच मंच पे आए आप बाबूरा सर। मैं मेरी जिले से आता हूँ, क्योंकि मैं भी गाजीपुर से आता हूँ, सबका स्वागत करता हूँ। सर का बेटा मैं स्टूडेंट था साहब और पोलिटिकल साइंस पढ़ा करता था, बाद में सिलेबस चला गया। सर से बात करूँगा उसके बारे में। सर आपका स्वागत है। तो मैं इसीलिए चाहता था कि मैं तमाम लोगों को सुनकर अपनी बात की रखूँ और आप लोगों से डायलॉग भी हो क्वेश्चन आंसर सेशन में, लेकिन मुझे कहीं रिगार्डिंग बीच में थी और मुझे जाना था, तो मैंने इस आयोजक जो अपने मित्र हैं राजनारायण सिंह से मैंने कहा था कि बड़ा मुझे पहले बोलवा दीजिएगा, लेकिन फिर भी काफ़ी लेट हुआ। लेकिन मैं इस पर संक्षेप में अपनी बात जरूर करूँगा। देखिए, ये जो विषय आज रखा गया है, बहुत सारे लोगों को ये लगेगा कि ये विषय आज क्यों? आज तो हमारे समाज में इतने सारे विषय हैं, इतने सारे ज्वलंत मुद्दे हैं कि ये जाति जनगणना का मुद्दा क्यों हो गया? लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जाति जनगणना का जो मुद्दा है हमारे जैसे समाज में, हमारे भारतीय समाज में ये वर्षों वर्ष से लंबित मामला है और इस मसले पर भी उतना ही फरेब हुआ है हमारे देश में जितना फरेब आरक्षण के मुद्दे पर हुआ, हो रहा है और आगे भी होगा, अगर हमारे देश की जो राजनीतिक पार्टियां हैं, खासकर जो अपने को सामाजिक न्याय की प्रमुख पार्टियां बनती हैं, वो अगर सतर्क, समझदार और तरफदार न हो। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है, ये बात पहले कह लूँ, इसके बाद मैं असल मुद्दे पर आऊँगा कि इस वक्त अपने देश में जो सामाजिक न्याय की बलवाहक पार्टियाँ अपने को मानती हैं, मेरी नज़र में उनमें से एक भी ऐसी पार्टी नहीं है जो सुसंगत ढंग से, समझदार ढंग से, तरफदार ढंग से और ईमानदार ढंग से सामाजिक न्याय के लिए लड़ रही हो। यही सबसे दुखद पहलू है जिसकी वजह से भारत में आज चाहे वो हिंदुत्ववादी यहाँ के हों, चाहे यहाँ के मनुवादी हों, यहाँ के जो ऐसे लोग जो समाज के दलित उत्पीड़ित तबकों को वाकई गिरफ्तार करना चाहते हैं और रखना चाहते हैं आदमी पर हमेशा, वो इसीलिए कामयाब हो रहे हैं। एकमात्र उसका सबसे बड़ा कारण है वो ये कि बहुजन समाज, दलित, पिछड़ों, आदिवासियों और माइनॉरिटीज की जो पोलिटिकल जो नुमाइंदे हैं वो ईमानदार नहीं है और उनमें से जो ईमानदार हैं तो वो समझदार नहीं है। तो कुल मिलाकर ये स्थिति है जिसकी वजह से ये मामला बन रहा है। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बाद अपने मुल्क में इन सवालों को उठाने का, इन सवालों को विजुलाइज करने का फिलोसफिकल आधार पर, ऑर्गेनाइजेशनल आधार पर, पोलिटिकल आधार पर उतना बड़ा कद्दावर कोई चिंतक दार्शनिक नहीं हुआ। एक तो ये पहलू, लेकिन उनके पास भी उस वक्त अगर देखा जाए तो वैसा पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म नहीं था जैसा बाद के दिनों में कांशीराम जी के पास हुआ। और कांशीराम वो व्यक्ति हैं जिन्होंने सचमुच अम्बेडकर की विचारधारा की रोशनी में भारत के बहुजन समाज के लिए एक नया दार्शनिक वैचारिक विकसित किया, एक नए राजनीतिक दल के रूप में। और सब पूछिए तो इतने वर्षों के अंतराल में डॉक्टर अम्बेडकर को जिस तरह खत्म कर दिया गया था, एक तरह से भारत के वैचारिक दार्शनिक परिप्रेक्ष्य में उसको अगर देखा जाए, मेरी नजर में कांशीराम अगर न हुए होते तो अम्बेडकर को वैचारिक स्तर पर भी मार डाला गया था। और अगर अम्बेडकर जिंदा हो गए फिर से तो इसका एकमात्र अगर ठीक हो जाता है। लेकिन उसके बाद जो स्थितियां बनी बहुजन समाज के पास ऐसा न तो कोई वैचारिक बड़ा कद्दावर नेता आया अम्बेडकर जैसा और न तो कांशीराम जी की तरह का एक संगठक आया जो निस्वार्थ रहा हो और जिसके पास अपने समाज को आगे ले जाने का एक बड़ा लक्ष्य रहा। तो ये एक पृष्ठभूमि देना मुझे बहुत जरूरी लगा जाति जनगणना के विषय पर आने से पहले। अब आइए जाति जनगणना पर। जिस वक्त जाति जनगणना को लेकर भारत की संसद में चर्चा चल रही थी उस वक्त संयोगवश मैं हिंदुस्तान के एक बड़े हिंदी अखबार का विशेष संवाददाता था, पॉलिटिकल ब्यूरो में था और मैं पार्लियामेंट कवर करता था। भारत की संसद के की दर्शक दीर्घा में प्रेस दीर्घा में बैठकर मैं तमाम डिबेट्स का गवाह हूँ। जिस वक्त भारत की संसद में जनगणना को लेकर की जनगणना कैसे होनी चाहिए, कैसे नहीं होनी चाहिए, क्या चाहिए, उसका क्या आधार होना चाहिए, इस पर बात हो रही थी। एक दौर ऐसा आया जब जाति जनगणना को लेकर भारत की संसद में सहमति बन गई और यह मान लिया गया कि भारत में इस वक्त 2011 की जो जनगणना आगामी होने वाली है उसमें जाति का जो पहलू है वो हम काउंट करेंगे, उसको हम डालेंगे और फॉर्मा जो बनेगा उसमें होगा। लेकिन इस पर एक मुकम्मल फैसला होता है वो फैसला नहीं था, शायद उसकी जरूरत लोगों को महसूस नहीं हुई। और जिस तरह की जैसे मैंने चर्चा की जिस तरह की हमारे देश में लीडरशिप है, खासकर सामाजिक न्याय के बर्बाद कहे जाने वाली पार्टियों का, वो शायद छले जाने के लिए फिर से तैयार थे या वो साजिश को नहीं समझ रहे थे। जो देश की जो बड़ी पोलिटिकल पार्टी है जिनके नेता इस मुद्दे पर एकमत थे कि हारने हमें नहीं देना है, ये काम नहीं करना है। और अल्टीमेटली इस समय यूपीए की सरकार थी और यूपीए के कुछ बहुत चतुर राजनेता उन दिनों जितनी कैबिनेट कमेटीज बनती थी उनके चेयरमैन या कन्वीनर बना करते थे। उनमें से एक सोनाम खानी बड़े नेता, उन्होंने बकायदे ये आश्वासन दिया था तमाम उन पार्टी के नेताओं को कि हम बहुत जल्दी एक कैबिनेट कमेटी जो बने जो कैबिनेट कमेटी पोलिटिकल अफेयर्स है उसमें हम इस प्रस्ताव को पारित करके और फाइनलाइज कर देंगे और ये सब कुछ हो जाएगा। ये सब होने के बाद भी जब भारत में जनगणना आयुक्त के कार्यालय से जनगणना की प्रोसीडिंग जब शुरू हुई, जब प्रोसीजर शुरू हुआ उसमें जाति जनगणना का प्रारूप गायब। मैं इतना चकित हुआ कि जब बिहार का चुनाव चल रहा था पिछला 2015 तो उसके जस्ट पहले आई थिंक चुनाव के कुछ एक आध साल पहले या कुछ महीने पहले बड़े देश के बहुत बड़े नेता सामाजिक न्याय के पक्षधर कही जाने वाली पार्टी के बड़े नेता लालू प्रसाद यादव जी ने एक आह्वान किया जनता से कि जाति जनगणना के आंकड़े पब्लिक करो। उनका यह कहना था कि आंकड़े जो है वो पब्लिक हो जाए तो सारा मामला बन जाएगा। तो मेरी उन्हीं दिनों चुनाव से पहले मुलाकात हुई लालू प्रसाद जी से, तो मैंने पूछा कि भैया जाति जनगणना के आंकड़े जो पब्लिक करने की डिमांड कर रहे हैं उसको लेकर बिहार में आंदोलन जैसा माहौल पैदा हो गया है, तो ये जाति जनगणना के आंकड़े है कहाँ? तो उन्होंने कहा कि अपने लहजे में कहा, जो उनका लहजा है बहुत ही लोकप्रिय और बहुत ही संश्लेषण के मामले में बेजोड़, उन्होंने कहा कि उनका बर्तन ही बैठेगा, खाली पब्लिक ने पसंद करो, पब्लिक कराने के बाद। तो हमने कहा कि भाई वो तो ठीक है। उन्हीं दिनों भारत की सरकार में लिए कि इस समय भारत भाजपा ने गवर्नमेंट इसके दो बड़े मंत्रियों ने या तीन बड़े मंत्रियों ने पीआईबी में आईओडी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ सर्वेनुमा आंकड़े पेश किए थे सामाजिक आर्थिक, उसमें जाति का मामला नहीं था, किसी और पहलू का था। तो लोगों को ये लगा कि जाति जनगणना भी हो गई है और ऐसा ही वो आंकड़ा फिर से सरकार किसी दिन पब्लिक कर देगी। तो जब मैंने आरोप किया कि भाई वो आंकड़े कहाँ हैं, आप लोग बता दीजिए, आप इसमें आप लोगों को कह दिया कि जाति जनगणना हो गई है और ये सरकार वो आंकड़ों को दबा कर बैठी हुई है। जो सर्वे है उसको आप जाति जनगणना नहीं कर सकते और सर्वे भी कुछ एक राज्यों तक सीमित है, कुछ एनजीओ के सहयोग से, कुछ राज्य सरकारों के सहयोग से इस तरह के सर्वे सर्वेक्षण हुए हैं और ये कहीं से भी जाति जनगणना नहीं है। तो उनको पहले तो यकीन नहीं हुआ। मैंने उनको बताया कि भारत के जनगणना आयुक्त कार्यालय के जनरल आयुक्त का पब्लिक स्टेटमेंट आ गया। इसके बाद भी एक कंफ्यूजन कि जाति जनगणना भारत में की जा चुकी है, उसके आंकड़े से पब्लिक नहीं हुए हैं। ये कंफ्यूजन बड़े नेताओं में होना ये गलत है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इस स्थिति को खत्म करने में उसके बाद से वो मामला ठंडा पड़ गया और जाति जनगणना के आंकड़े पब्लिक करो ये आवाज बंद हो गई। लेकिन हमारा ये कहना है कि इतना कंफ्यूजन जाति जनगणना को अपने देश में लंबे समय तक रहा कि जैसे जाति जनगणना कराई जा चुकी है और उसके आंकड़े सिर्फ पब्लिक कर रहे हैं। ये तो स्थिति इस देश में, हमारे देश में दलित पिछड़े वर्ग और जो बहुजन समाज है उसके जो बौद्धिक लोग हैं, राजनीतिक लोग हैं, सामाजिक कार्यकर्ता लोग हैं, उनकी स्थिति ये है। ये जो आपके सामने जाहिर करना चाहता था। दूसरी बात कि एक दिन मैं अपने घर में बैठा चाय पी रहा था, एक आदमी ने कहा कि हम लोग सर्वे करने आए हैं, अपनी बिरादरी बता दीजिए आप। मैंने कहा ये सर्वे कहाँ से? अभी कुछ ही 2 साल 3 साल पहले की बात। हमने कहा ये सर्वे कहाँ से? तो उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश सरकार सर्वे करा रही है। मेरा घर उत्तर प्रदेश की एक बस्ती है, दिल्ली से सटी। तो मैंने देखा उसका परफॉर्मा, वो कुछ गाजियाबाद जिला का कुछ उस पर ऊपर था, जिला परिषद या जिला सबसे बैठ गए गाजियाबाद नगर निगम। मैंने कहा ये कैसे हुए? तो मुझे ऐसा लगता है कि इस देश में अनेक राज्य सरकारें ऐसी हैं जो अपने अपने ढंग से पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से, सरकारों की तरफ से, प्रशासन को चलाने वाले लोगों की तरफ से तरह तरह के सर्वे कराए जा रहे हैं जिसका वो राजनीतिक फायदा उठा सके कि एक एक क्षेत्र में कौन कहाँ कितना है। ये काम हो रहा है। लेकिन भारत की जो जनगणना का जो जिम्मेदार संस्था है जिसको जनगणना आयुक्त का कार्यालय कहते हैं, उसके यहाँ अभी तक कोई आदेश नहीं है कि अगली बार भी जो जनगणना होगी वो जाति जनगणना इस देश में होगी या नहीं होगी। तो मेरा ये कहना है कि आज का जो सम्मेलन है, आज का जो सेमिनार है, वो इस मामले में रिलेवेंट है कि भले ही यहाँ पर बहुत बड़ी सभा नहीं है, कोई रैली रैला नहीं है, लेकिन यहाँ से शुरुआत आप कर सकते हैं कि भारत की अगली जनगणना में वास्तविक अर्थों में जाति जनगणना के लिए एक अभियान की शुरुआत की जा सके और राजनारायण जनहित अभियान के नाम से अपने तमाम कार्यक्रमों का संचालन करते हैं, इस अभियान को वो आगे ले जाएं। ऐसी मेरी उनसे गुजारिश है और हमारी शुभकामना भी है कि उसको एक बड़े जन आंदोलन में तब्दील किया जाए। दूसरी बात की अब एक सवाल उठता है कि भाई इस देश में जाति जनगणना की जरूरत क्या है? कुछ लोग ये भी कह सकते हैं, हालांकि उनका ये सवाल बिल्कुल कहीं भी डिबेट का पॉइंट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जब भारत का संविधान जब लिखा जा रहा था तब भी ये सवाल था और उस सवाल का जवाब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अपने डिफरेंट अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर दिए हैं। तो मैं नहीं समझता कि ये बात का विषय है कि जाति जनगणना या जाति का सवाल क्यों बात है, लेकिन फिर भी बहुत संक्षेप में मैं इसको आपके सामने रखना चाहता हूं क्योंकि एक डिस्कोर्स है, एक फोरम है, इस पर बात होनी चाहिए। देखिए, संविधान के आर्टिकल 340 में जो प्रावधान किया गया है और उस आर्टिकल 340 पर भारत की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं था। उसमें ये बिल्कुल साफ है कि भारत के सामाजिक और शैक्षिक रूप से जो पिछड़ा वर्ग है उसके लिए भविष्य में एक कमीशन बनाया जाएगा या एक ऐसा आयोजन किया जाएगा जिससे कि उनके बारे में असलियत को सामने लाया जा सके। तो ये सामाजिक और शैक्षिक रूप से जो पिछड़ा जो ये डर है, ये जो जुमला है या ये जो एक शब्द युग्म है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि भारत में समाज ये जो आरक्षण है, ये जो एफर्मेटिव एक्शन है, उसकी बुनियाद आर्थिक नहीं होकर सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ा पड़ा। अभी मैं देखता हूं कि बहुत सारे लोग ये डिमांड करते नजर आते हैं, अपर कास्ट के बहुत सारे मित्र हमारे, कि भारत में आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए। और कांग्रेस के समर्थक लोग, आरएसएस और बीजेपी के बहुत सारे समर्थक लोग अक्सर इस डिमांड को उठाते रहते हैं, कभी ब्राह्मण महासभा के नाम पर, कभी राजपूत महासभा के नाम पर, कभी ब्रह्मर्षि महासभा के नाम पर। मुझे किसी जाति से, उच्च वर्ग की किसी भी जाति से कोई परहेज नहीं है, सबको अपनी बात कहने की ये संविधान आजादी देता है। लेकिन इस बात अनेक योजनाएं उसके लिए लाई गई हैं, भविष्य में भी लाई जा रही है। और जो लोग संविधान में यकीन नहीं करते या जिनको लगता है कि संविधान को न्याय नहीं दे रहा है, उनके लिए दरवाजा खुला हुआ है क्रांति का। आप अगर आर्थिक रूप से बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं, उसके लिए क्रांति है भाई, क्रांति कीजिए आप, किसी ने मना नहीं किया है आपको, बशर्ते कि वो शांति को ढंग से हो। तो हमारा ये कहना है कि आर्थिक रूप से आरक्षण की बात एक मूर्खतापूर्ण अज्ञानतापूर्ण बात है, जिसके लिए मैं नहीं समझता कि भारत के संविधान में यकीन करने वाले लोग कहीं से भी उसको इंडोर्स करेंगे। तो ये जो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, आरएसएस हो, या जितने इस तरह के प्लेटफॉर्म्स हैं जो इस तरह के लोगों को सह लेते हैं, सिर्फ अपर कास्ट के गरीब तबकों को न्याय कराने और न्याय देने के नाम पर दरअसल वो जातियों के समर्थकों, जिन जिन जातियों में उनका समर्थन है उनको भी वो धोखा देते हैं। ऐसा संभव ही नहीं है। इसके लिए आपको संविधान को उलटना पड़ेगा, इसको आपको संविधान को बदलना पड़ेगा, और वो मैं नहीं समझता कि संभव है। तो एक तो ये बात बिल्कुल साफ हो जाना चाहिए कि भारत का संविधान आरक्षण का जो पहलू है उस पर सामाजिक शैक्षिक पिछड़ेपन को आधार बनाता है, आर्थिक पिछड़ेपन को आधार नहीं बनाता है। इसलिए ये सवाल हमेशा हमेशा के लिए इसका उत्तर दिया जा चुका है, ये पहलू इस पर बहस नहीं होनी चाहिए। तीसरा जो पहलू है आरक्षण का वो है संख्या। मैं बीपी मंडल साहब का तो इंटरव्यू कभी नहीं किया, क्योंकि शायद मैं तब पत्रकार शायद नहीं था, मैं पढ़ाई कर रहा था। लेकिन मैंने बीपी मंडल साहब के जो सेक्रेटरी एसएस साहब थे उनसे मैंने कई बार बातचीत की। एसएस के मैंने कई और इंटरव्यू भी देखे, मैंने जो लिखा उसके अलावा मैंने बीपी मंडल कमीशन की रिपोर्ट को ठीक से पढ़ा, और बार बार मैं चकित होता था जब मैं एक राजनीतिक संवाददाता के रूप में काम करता था और अभी भी लिखता ही हूं, टिप्पणी करता ही रहता हूं कि भारत की ज्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज के बड़े नेता उन्होंने लंबे समय तक और शायद आज भी मंडल कमीशन की रिपोर्ट को पढ़ा ही नहीं। मंडल कमीशन की रिपोर्ट को आरक्षण का दस्तावेज मान लिया है। मंडल कमीशन की रिपोर्ट आरक्षण का दस्तावेज नहीं है। मंडल कमीशन की रिपोर्ट को अगर आप ठीक से पढ़ें तो भारत ने सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े लोगों का कैसे उन्नयन हो, भारत के समाज का कैसे विकास हो, आर्थिक सामाजिक तरक्की के क्या क्या और तरीके हैं, कैसे अपने समाज में खुशहाली लाई जाए, एक तरह की क्रांति लाई जाए सामाजिक स्तर पर, इसका एक मुकम्मल दस्तावेज है। अभी के प्रधानमंत्री जी का एक जुमला आया था बहुत पहले, उसका था कि स्किल इंडिया, स्किल इंडिया, भारत में कौशल विकास हो। अगर आपको यकीन न हो तो मंडल कमीशन की रिपोर्ट को देख लीजिए, स्किल इंडिया मंडल कमीशन की रिपोर्ट में दर्ज है। दस्तकारों को, भारत के कुम्हारों को, भारत के कमीनी जातियों में कैसे डिफरेंट कौशल, अलग अलग कौशल है, अलग अलग उनके पास कला है, अलग अलग दस्तकारी और कलाकारी है, इसका कैसे विकास किया जाना चाहिए, बाकायदे उसमें कौशल विकास की चर्चा है। स्किल इंडिया जैसा अंग्रेजी जुमला तो नहीं है, लेकिन उसका कंटेंट यही है जो मंडल साहब ने दिया है कि भारत की इन पिछड़ी जातियों में कला, अद्भुत कला है। ये वे लोग हैं जो भारत की नींव डाले हैं, ये वे लोग हैं जो समाज की हर एक चीज की रचना करते हैं, और उन रचनाकारों, जो गरीब लोग हैं, जो पिछड़े लोग हैं, जो दलित लोग हैं, कैसे उनके कौशल का विकास हो, बाकायदा मंडल कमीशन की रिपोर्ट में यह भी रिकमेंडेशन है। एग्रीकल्चर, कृषि में आज संकट की स्थिति है। मोदी जी को कारपोरेट से फुर्सत नहीं है, क्योंकि कारपोरेट ने उनको सामने लाया है, कारपोरेट ने उनको आगे बढ़ाया है, तो कारपोरेट के लिए काफी काम सरकार ये कर रही है। हालांकि पिछड़ों का काफी वोट पाकर ये सरकार आई है, लेकिन पिछड़ों को नजरअंदाज करके सिर्फ कारपोरेट को काम करने वाली सरकार के दिमाग में ये बात नहीं है कि भारत का कृषि संकट जो है आज वो इतना गहरा रहा है और उसके सबसे अधिक अगर शिकार है तो वो पिछड़े और दलित वर्ग के लोग हैं, दलित वर्ग के लोग मजदूर हैं और पिछड़े वर्ग के लोग खेतिहर हैं, या वो भी खेत मजदूर हैं या छोटे छोटे मार्जिनल किसान हैं। कृषि संकट के बारे में मंडल कमीशन की रिपोर्ट महत्वपूर्ण रिकमेंडेशन करती है। अगर आप उसके उत्तरार्ध के पार्ट में जाइए जहाँ किसी की चर्चा है, आप मंडल कमीशन की रिपोर्ट में उसको भी देख सकते हैं। तो मेरा ये कहना है कि जो लोग मंडल कमीशन को एक जातिवादी नेता का जातिवादी आख्यान समझते हैं या सिर्फ एक आरक्षण का दस्तावेज समझते हैं, तो मंडल जी, मंडल कमीशन की पूरी टीम, एस एस गिल साहब और उस महान मेधा का अपमान करते हैं। मंडल कमीशन की रिपोर्ट तमाम भारत के श्रेष्ठतम विश्वविद्यालयों और एकेडमिक संस्थानों से इकट्ठा किए गए डेटा के आधार पर एक ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है और मैं समझता हूं कि आजादी के बाद भारत के तमाम उन सबाल्टर्न तत्वों के विकास के लिए अगर सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट तैयार हुआ अगर आजादी के बाद, तो वो मंडल कमीशन की रिपोर्ट है। उनके भी नेता और वो सामाजिक न्याय की पक्षधर पार्टियां हैं, उनके भी नेता, उन्होंने मंडल कमीशन की रिपोर्ट को ठीक से पढ़ा ही नहीं और उनके न पढ़ने के कारण ये अज्ञानता बढ़ती रही। तो ये कुछ पहलू जो मैं मंडल कमीशन के बारे में कहना चाहता था वो ये है। दूसरी बात कि क्यों जातियों की जानकारी होनी चाहिए भारत सरकार में। जो लोग ये कहते हैं कि जात पात खत्म हो रही है और जात पात की चर्चा करना जातिवादी होना है, वो लोगों को बेवकूफ समझते हैं, दलितों और पिछड़ों को, या बेवकूफ बनाने की अभी भी साजिश रचना है। जाति एक ऐसी हकीकत भारत की है जो शायद अभी खत्म होने का नाम नहीं लेती और ले रही है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का यही सपना था कि जातियों का विनाश हो, जातियां खत्म हो। एलिमिनेशन ऑफ कास्ट नाम से जो उन्होंने पुस्तिका लिखी, लिखी नहीं थी दरअसल वो एक भाषण था जहां उनको भाषण देने नहीं दिया गया और वही भाषण पुस्तिका के रूप में आया। और मैं समझता हूं कि उस दौर में और आज के दौर में भी वह एक ऐसा सैद्धांतिक महाकाव्य है, वह एक छोटी सी पुस्तिका भारतीय जीवन का सैद्धांतिक महाकाव्य है जिसमें भारत के तमाम तमाम अंतर्विरोधों की तस्वीर दिखाई देती है और उन अंतर्विरोधों से निपटने का रास्ता भी नजर आता है। वह इतनी महत्वपूर्ण रचना है, मेरी नजर में वो भारत के किसी भी धार्मिक ग्रंथ से ज्यादा महत्वपूर्ण रचना है। वो भाषा में एलिमिनेशन ऑफ कास्ट एक ऐसी किताब है जिसे भारत के दलित, पिछड़ा, माइनॉरिटीज और जितने सबाल्टर्न सेक्शंस हैं उसने अपने घर में उसे रखा जाना चाहिए। चाहे वो हिंदी पढ़ने वाले लोग हों, उर्दू हो, तमिल हो, तेलुगु हो, जिस भाषा में जहां उसका अनुवाद नहीं है, अनुवाद करके हर एक घर में उसे रखा जाना चाहिए। और जैसे ही बच्चा थोड़ी सी पढ़ाई करने उस किताब को पढ़ने को देना चाहिए। तो ये बहुत जरूरी है। तो जो लोग ये कहते हैं, कई बार मैं सेमिनारों में सुनता हूँ कि बाबा साहब ने तो आरक्षण दिया, आरक्षण दिलवाया, उन्हीं के कारण शिक्षाओं को भी आरक्षण मिला। हम यहाँ प्रकार से ये बात कह रहे हैं, ये बहुत दिनों पहले की बात है, बिहार में पिछड़े वर्ग के एक अज्ञानी नेता ने कह दिया, एक बढ़ते हुए दिनों पिछड़े वर्ग के अज्ञानी नेता की बात मैं कर रहा हूँ, भाई ये तो बाबा साहब ने तो दलितों की बात की थी, हम पिछड़ों के लिए क्या करें। अब इतना मुद्दापूर्ण बयान, लेकिन नेता है तो मुद्दापूर्ण बयान देने के लिए तो भाई उनके पास अधिकार है, कुछ भी बिना पढ़े लिखे बोलते हैं। मैंने उनसे साफ कहा कि भाई आपकी 340 जो कॉन्स्टिट्यूशन की है वो तो बाबा साहब के कारण है, जिसकी वजह से बाद के दिनों में आपको काका कालेज में आयोग बना जो बंडल था, एक कांग्रेसी साजिश का वो पुलिंदा था, और बाद में जो मंडल कमीशन बना वो अभी आर्टिकल 340 के कारण बना। तो बाबा साहब अगर ना होते, बाबा साहब का डिस्कोर्स ना होता, बाबा साहब का हस्तक्षेप ना होता, तो पिछड़ों को भी आरक्षण और मंडल साहब ने जो आरक्षण में 27% का प्रावधान किया। अब यहीं पर जाति जनगणना की बात आती है, मैं यही अपनी बात का दरअसल वो अभी एक मजबूरी थी। आप एसएस गिल काश मैंने एसएस गिल साहब से हमने बात की, आप लोगों में से हो सकता है कुछ लोगों ने भी बात की हो। दरअसल गपशप में ये भी चलता रहता था उन लोगों के बीच कि भाई तमिलनाडु में इतना है, वहाँ इतना है, हम अगर यहाँ इतना इतना कम करते हैं तो क्या हो। लेकिन मंडल साहब को शायद ये दिमाग में था कि अगर हम एक प्रामाणिक ढंग का वाजिब ढंग का एक परसेंटेज तय करते हैं तो हो सकता है कि ये सरकार जो भारत की है, कांग्रेस उस समय रिजीम थी, इसको भी वो दरकिनार कर दे और पिछड़ों को आरक्षण ही न दे, या कोई ना कोई साजिश करते सारे के सारे नेता, क्योंकि इस पार्टी या उस पार्टी सब में कोई एक ही तरह के नेता थे और कमों के साथ भी वही स्थिति है। तो उनका ये कहना था कि एक प्रैग्मेटिक, एक व्यावहारिक ढंग का हमको काम करना चाहिए जिससे कि इसको हम मंजिल मकसूद तक पहुंचावे और भारत के पिछड़ों को कुछ मिले, कुछ अचीव हो। और इसी वजह से 27% का मामला सामने आया, कुछ आंकड़े आए जिसके आधार पर, जिसकी रोशनी में वो फैसला किया गया ताकि ये 50% वाला जो आंकड़ा है, जो आप जानते हैं कि 50% क्रॉस नहीं करना चाहिए। ये अलग बात है कि तमिलनाडु सहित कई प्रदेशों में ज्यादा था, कुछ एक प्रदेशों में बीच में कम किया गया क्योंकि वही कोर्ट ने केस फंसा था। अभी हमारे पूर्व न्यायमूर्ति जो बात कह रहे थे, हम उस पर संक्षेप में जरूर आएंगे कि कैसे इस देश में न्यायपालिका ने भी हमेशा दलित, पिछड़ों, आदिवासियों और सबाल्टर्न तबकों की अनदेखी की है। इसका भी एक इतिहास है और भारत में सबकी इतिहास को लिखने वाले हैं वो इन वर्गों से नहीं आए हैं, इसलिए उसको नहीं लिख पाए। तो ये जो अगर जाति जनगणना हो जाती है और जाति जनगणना के सही आंकड़े आ जाते हैं तो यकीन भारत की न्यायपालिका, भारत की संसद और भारत की कार्यपालिका मजबूर हो जाएगी कि भारत में पिछड़ों को आरक्षण 27% नहीं 50% अगर तमिलनाडु में ज्यादा है तो उत्तर प्रदेश में, बिहार में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में शायद कम हो थोड़ा, लेकिन दूसरे सूबों में भी आपको आरक्षण ज्यादा देना पड़ेगा। जाति जनगणना अगर कांग्रेस करती है, बीजेपी करती है, करती नहीं है, तो सिर्फ इसलिए कि इन क्षेत्रों में पिछड़ों के आरक्षण को आप आगे न बढ़ने दें, उनका आंकड़ा आगे न बढ़ने दें। ये बहुत संजोग नहीं हो सकता, ये बात संजोग नहीं हो सकता कि मंडल जैसे ही आता है मंडल आ जाता है। आडवाणी की रथ यात्रा पर निकल जाते हैं, ये आडवाणी जी की रथ यात्रा आजकल बेचारे बहुत दुखी है, उनको मार्गदर्शक मंडल में रख करके और न तो मार्ग पर चलने दिया जा रहा है न मार्गदर्शन करने दिया जा रहा है। जी मंडल मार्ग सही उनको मार्गदर्शक मंडल में रख दिया है। लेकिन आप कई बार लोग हमारे बहुत अच्छे किसान को प्रकट करते हैं, मैं आडवाणी जी के मंत्रालय को कवर कर चुका हूँ, उनके साथ कई यात्राएं कर चुका हूँ, मैं बहुत आदर उनका करता हूँ, लेकिन मुझे यह कहते हुए कोई संकोच नहीं है कि भाईजान आपके तमाम राजनीतिक कर्मों का ही नतीजा भारत झेल रहा है। आपके राजनीतिक कर्मों के कारण भारत आज इस तहरीज पर पहुंचा है। आपने पिछड़ों के आंदोलन को काउंटर करने के लिए जो उग्र सवर्णवाद के प्रति कमंडल को सामने लाया, उसने न तो राम के साथ न्याय किया और न तो कृष्ण के साथ न्याय किया, न तो उसने दलित के साथ न्याय किया, न तो अपर कास्ट के साथ न्याय किया। इस देश में जातियों के विभाजन को, जातियों के बीच जहरीले माहौल को और बढ़ा दिया। अम्बेडकर ने तो नहीं बढ़ाया था, अम्बेडकर ने जातियों के विनाश की बात की थी, लेकिन जातियों के विनाश का मतलब यह नहीं है कि एक गरीब हमेशा गरीब बना रहे और अमीर हमेशा अमीर बना रहे, हमेशा आपकी चरवाही करते रहे। आप यूरोप बनाना चाहते हो कि नहीं, इंडिया यूरोप के नेगेटिव्स की बात नहीं कर रहा हूं, यूरोप के पॉजिटिव्स की बात कर रहा हूं। फ्रांस की राज्य क्रांति ने 1789 के बाद समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का जो नारा लगाया पूरी दुनिया में और जिससे दुनिया बदल गई, क्या आप भारत में क्या उन मूल्यों को स्थापित करना चाहते हो कि नहीं? आज जो मॉब लिंचिंग हो रही है, आज जो नफरत लगातार बढ़ रही है, क्या आपको नहीं लगता कि ये उस कमंडल के कारण है? आपने धर्म का एक खतरनाक चेहरा सामने लाया है, आपने धर्म को क्रूर ब्रूटलाइज किया है, आपने धर्म को शिक्षित एक आदमी का दस्तावेज नहीं रहने दिया है। ऐसा लगता है कि धर्म का मतलब गुंडे और लौंडों की पूरी फौज तैयार कर दी है धर्म के नाम पर। आखिर धर्म तो ये नहीं है। अगर ये धर्म है तो फिर धर्म है। तो मुझे लगता है कि इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर आप राजनीति में हैं और राजनीति में मानवीय संवेदना और मानवीय आवश्यकता का अगर आप समन्वय नहीं करते तो इतिहास आपको कभी माफ नहीं करेगा। और इतिहास कई बार आपके जिंदा रहते हुए आपको जवाब देता है। जो लोग समझ बैठे हैं कि वो शहंशाह हैं और कभी गलती से नहीं उतरेंगे और इस देश की जनता का समर्थन कभी नहीं खोएंगे, मैं बहुत छोटा पत्रकार हूँ, मेरे पास कोई हैसियत नहीं है, लेकिन मुझे इस देश की जनता पर यकीन है। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि वो मुगालते में अम्बेडकर साहब का जब निधन हुआ तो उनका कोई नाम लेवा नहीं था। अम्बेडकर भारत के 10 बड़े महापुरुषों में भी नहीं गिने जाते थे। यकीन मानिए, आप देख लीजिए 56 की बात। अम्बेडकर को इतिहास में ऐसा लगता था कि दफन कर दिया गया है। अम्बेडकर की किताबें सामने नहीं थी। मैं सन 1978 में बेटिया इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से 74 से 78 के बीच में मुझे अम्बेडकर की कोई किताब इलाहाबाद विश्वविद्यालय के रोड पर नहीं मिला करती थी, जिसका नाम था विश्वविद्यालय मार्ग। हम दुनिया भर में विद्वानों की किताबें मिलती थी, लेकिन अम्बेडकर पढ़ने को नहीं मिलते थे। आज अम्बेडकर गली गली है। अम्बेडकर गांधी से बड़े हो गए और तुम जैसी कॉमर्शियल मैगजीन जब सर्वे कराती है तो पाती है कि अम्बेडकर गांधी से बड़े लोग हो चुके हैं। तो जिनको मारने की आपने कोशिश की, इतिहास में दफन करने की कोशिश की, उन्होंने आज वो दर्जा हासिल किया है इस देश की जनता की वजह से। और माफ कीजिएगा, इसमें सिर्फ दलित और पिछड़े नहीं है जिन्होंने अम्बेडकर को आइकन माना है, जिन्होंने अम्बेडकर को मार्गदर्शक माना है, इसमें भी तमाम लोग हैं, प्रकाश के लोग हैं। आपने तो हिंदू धर्म का ध्वजा उठाया, आपने कितने हिंदू धर्म ग्रंथ पढ़े हैं। अम्बेडकर ने मुंबई से दिल्ली और कोलंबिया तक हिंदू धर्म के जितने प्रमुख ग्रंथ हैं सबका न केवल अध्ययन किया बल्कि एक गवेषणात्मक ढंग से रिसर्च किया। उन्होंने मनुस्मृति का ही नहीं, वेदों का, उपनिषदों का, पुराणों का जितना गहन अध्ययन किया वो मेरी कल्पना से बाहर है कि उस व्यक्ति में क्या मेधा थी, क्या गजब का उस आदमी की कमिटमेंट था। वो जिन चीजों को काटना चाहता था उनका लगातार अध्ययन करता रहा। तबाह की बात है। और आप कहते हैं कि आप गरीब चलते हुए मुसलमान की हत्या करते हैं, एक दलित की चमड़ी उखेड़ देते हैं, एक पिछड़े को दफन कर देते हैं, और आप हिंदू धर्म के ध्वजवाहक होते हैं। शर्म आनी चाहिए। लेकिन अम्बेडकर ने सचमुच हिंदू धर्म का के जितने आख्यान है उनको न केवल परिभाषित किया बल्कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ उनको पढ़ा। यूं ही उन्होंने नहीं लिखा है रिलेशन ऑफ कास्ट, उन्होंने कोट किया है, बुद्धिज्म पर काम किया, बुद्धिज्म को न केवल पढ़ा बल्कि भुना। तो मेरा ये कहना है कि आज हम जिस क्राइसिस के पीरियड में हैं मित्रों, ये संकट राजनीति का नहीं, ये हमारे समाज का गहरा संकट है। हम तो कहते हैं कि आरएसएस और बीजेपी में भी विद्वान लोग आगे होते, ऐसा लगता कि इनके पास भी स्कॉलर है, इनके पास भी हिंदू धर्म को समझने वाले लोग हैं। इनको तो ये भी नहीं मालूम कि जिस धर्म की बात वो करते हैं उस धर्म का नामकरण तक हिंदुओं ने नहीं किया था, जिनको वो हिंदू कहते हैं। हिंदू का क्या मतलब है? ब्राह्मण धर्म। इस ब्राह्मण धर्म का तथाकथित सनातन धर्म का नामकरण अलबेर्नी का अगर आप और हिंद किताब पढ़ लीजिए, उसके पढ़ने कहाँ है हिंदू धर्म, तुम्हारे किस ग्रंथ में हिंदू शब्द है? तो इसलिए मित्रों, हमारा ये कहना है कि जाति जनगणना को अभियान बनाइए। हम जानते हैं कि हमारी राजनीतिक लड़ाई लड़ने वाले लोग कमजोर हैं, हमारी राजनीतिक लड़ाई लड़ने वाले लोग निजी स्वार्थों के वशीभूत हैं, उनके पास विजन नहीं है, उनके पास सिर्फ ये अफसर है कि पैसा कैसे कमाया जाता है। हम बहुत बुरे हम बहुत दर्द के साथ आगे बात करें। हमें इस संकट से निकालने वाला एक बड़ा राजनेता चाहिए। उपन्यासकार, लेखक, बुद्धिजीवी, पत्रकार, चित्रकार तो बेशुमार निकल रहे हैं। अम्बेडकर के समय इतने उपन्यासकार, इतने लेखक, इतने पत्रकार, इतने फिल्मकार, इतने गायक दलित और पिछड़ों में नहीं थे जितने आज हैं। लेकिन इतनी बड़ी पूंजी आधारित राजनीति में राजनेता कैसे पैदा होगा? किसको आने दिया जाएगा राजनीति के मैदान में जो सस्टेन करे, जो अपने को खड़ा कर सके? ये बड़ा संकट, ये पूरी कारपोरेट पॉलिटिक्स, ये जनतंत्र का कारपोरेट संस्करण है। हम कारपोरेट जनतंत्र में जी रहे हैं। इसको पीपुल्स जनतंत्र, इसको वास्तविक जनतंत्र में अगर तब्दील करना है तो जाति जनगणना जैसे मुद्दों को लेकर बड़ी लड़ाई छेड़िए। सारे नेताओं को घुटना टेकाइए अपने, जितने आपके सामाजिक न्याय के वजवाहक बनने वाले लोग हैं सबको कहिए कि छोड़ के आप मां घर लाओ। और बिल्कुल अंत में मैं यही कहूंगा कि दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का एक व्यापक हर राज्य में और उन राज्यों का एक व्यापक कोऑर्डिनेशन नेशनल लेवल पर हो, एक ऐसा प्रेशर ग्रुप बने। और वो प्रेशर ग्रुप किसी संगठन, किसी मंच, किसी प्लेटफॉर्म के तहत हो सकता है जो नेशनल जितनी पार्टियां हैं, जितनी रीजनल पार्टियां हैं सामाजिक न्याय के पक्षधर लोगों की, उनको दबाव में डाल सके कि तुम ये करो, ये नहीं करो। तो प्रेशर ग्रुप बनना चाहिए और उसके लिए ये शुरुआती हम मान सकते हैं कि एक स्टार्टिंग पॉइंट है। इन शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत आभार।